श्री और आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का सीन जिसका टाइटल है डबल धमाल फूल्ड बाय कबीर कॉमेडी सीन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विश लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक स्ट्रॉकिंग लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पापा आप हमेशा कहते थे ना कि ढिकरा तरुक कहीं नहीं थे। तू कितना भी हाथ पैर मार ले ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। एक दिन तेरा तेल निकल ही जाएगा। पापा तेल निकल गया हूँ, निकल गया तेल, निकल गया हूँ। ये क्या है? सॉरी सर। सीक्रेट फाइल दिखा रहे हैं। सीक्रेट फाइल ये जो इतना मुस्कुरा रही है क्या सीक्रेट है जो छुपा है? पता लगाते हैं। बीवेयर ऑफ दोस फोर डॉग्स सर। डॉग्स गली के कुत्ते हैं। कुत्ते। यू आर राइट किया। कुत्ते। ये सीक्रेट फाइल ऑलमोस्ट धीरे सर दीवारों के भी कान होते हैं। दरवाजे के नहीं होते। इस ब्लूप्रिंट से आपका ऑयल वाली जगह पर रिफाइनरी बनाने का सुपर्ब आइडिया, करोड़ों से अरबों कमाने का माइंड ब्लोइंग प्लान उन चारों के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए सर। पहुंच गया। बाय चांस पहुंच गया तो वो लोग ये फाइल लेके मैम के पास पहुंच जाएंगे। पहुंचे ले 2% के 50% के पार्टनरशिप तक पहुंच जाएंगे। छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। हम लोग कान खजूरे कहेंगे। खजूरे कभी ब्लू प्रिंट कभी और ना ये MMS भाभी जी को पहुंच जाए। ये खुद भी हंसने होंगे ना। You are not too smart, yaar. Aaj aasi yaar. Fantastic boys. Yes, fantastic. Refinery ki blueprint to ban gayi. Yeah. Ab ise lagane ke liye koi 250 crore ka investor mil jaye to. To. To tum log ki 50% partnership. Pakki. मिल रहे हैं सारे मिले में। लग रहा है एक मिनट। अगर इन्वेस्टर मिल भी गया तो तुम लोग उसे कन्विंस ऐसे करोगे? हमारे पास MMS की डिग्री है ना। मदर यू आर सो स्मार्ट। मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। वेरी स्मार्ट। मदर गिव मी अ हग। मानव कम ऑन मानव गिव मी अ हग। मम्मा विल नॉट बी प्राउड। बालागू तिराम लागू पॉप फिंगर बाली सागू। क्या हग दिया है। खामोश। क्या तू बंदे ना? हाँ बजार के बट्टू। हम कोई आंगे पांगे नहीं हैं। जल्दी से इन्वेस्टर का पता बता दे वरना बेशक। अरे यार पंच मत मार यार, ये तो अपना कबीर है, ये तो इन्वेस्टर जरूर लेके आएगा। टिप ली जाएगा, धोबी घाट जाएगा, बिल्ली में घुस जाएगा, तो इन्वेस्टर जरूर लेके आएगा। क्या बोलता है कबीर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ
रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है इन्वेस्टर के साथ अग्रीमेंट फिक्स कर शाहरुख खान नहीं आए मंदिरा मंदिरा नहीं ओबामा ओबामा नो 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 माय नेम इज मानव एंड आई एम नॉट माय नेम इज खान आई एम नॉट अ डेटिस्ट आई एम नॉट अ इन्वेस्टर आप लोगों को इन्वेस्टर चाहिए आइए 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 सिर्फ एक बार देगा पता नहीं मिल गया इन्वेस्टर अच्छी लाइनमेंट की है हम पे हाथ उठाया भूल गया गुलाबो एमएमएस साले तू तो गए तेरी वाट लगाता हूँ फोन दे फोन दे फोन तो नहीं है क्या क्या हाँ कल शाम को कबीर ने मांगा था तुमने दे दिया कबीर ने मांगा था तूने दे दिया अरे उसे अपनी माँ को फोन करना था ना उसे अपनी माँ की याद आ रही अरे उसके माँ की याद तूने हमारी माँ बहन के डाली कहाँ की गया फोन गया इन्वेस्टर पार्टनरशिप आई एम नॉट सो स्मार्ट ये बहुत हो गया खेल खत्म निकलो यहाँ से चल गेट आउट गेट आउट कबीर रुक जाओ कबीर मैंने पहले से उससे मैंने उसकी कॉपी बना ली थी अरे तेरी आग में दम कहाँ जो हमारे चोले हमें वेरी स्मार्ट अब क्या बोलते हो कबीर पाटा भाई जूते नहीं चाहिए अबे जूते पाटा भाई तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टर भाई धमाल का विषय पहला पार्ट और धमाल का दूसरा पार्ट हो सारे जो है बहुत अच्छे लेकिन हाँ इस सीन की अगर मैं बात करूँ ना तो जिस तरह स्टार्ट होता है एक सीक्रेट फाइल के साथ दिखाई जा रही होती है यानी कि वो अगले बंदे को बार बार के कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो तुम्हें नहीं बताना चाहते लेकिन तुम्हें बताना भी चाहते हैं इतना बेवकूफ मूवीज नहीं होता नहीं होता नहीं होता यार नहीं होता एक्टिंग वाइज सबकी बहुत मजे की एक्टिंग है स्पेशली मैं बोलूंगी कि जो एक वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में आ गए थे ना जहाँ पर आमिर खान शत्रुघ्न सिन्हा और फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन सर और उसके बाद भाई शाहरुख खान सर पर तो कुछ ज्यादा ही फनी हो गया था लाइक तो लेकिन एक वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मैं कहूँगी कि वो एक सिचुएशन क्रिएट की गई और भाई मैं ये एक मिनट चीज़ बड़ी छिड़ती मुझे अक्सर ना जो लोग थोड़ा सीरियस लुक होते हैं ना जिनकी मुझे उनकी कॉमेडी देखने का मज़ा बहुत आता है मुझे खुद जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खास पर मैं अगर बात करूँ ना तो इस मूवी में जो है ना मलिका शरावत जो है उनकी अगर उनका भी अच्छा खासा रोल है इस मूवी में और बड़ी मज़े की भी उन्होंने की है लेकिन जो है ना मैं काफ़ी हद तक बीच बीच में फिल्म जो है भूल गई बीच से याद भी है ठीक है लेकिन जो है ना काफी देर की अब पर्दे पे भी नहीं आ रही है ना मूवीज में नहीं देखा इनको बट मुझे अर्शद वारसी की बहुत अच्छी लगती है एक्टिंग क्योंकि जैसे हम लोग मुन्ना भाई में भी देखते हैं मतलब वो एक कितना बहुत ही आराम से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनका बात करने का स्टाइल है तो एक होता है कि बड़े एक हम कहें कंफर्टेबल होकर वो एक्टिंग करते हैं तो वो स्टाइल मुझे उनका बहुत पसंद है मुझे तो वैसे जुवेद जाफरी सर जी उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है जिस तरह खास पर उन्होंने इसमें एक्टिंग की हुई है धमाल में ठीक है ना और जो सीन होता है जहाँ पे सबको रेप्टा पड़ता है ठीक है उसे पहले उस जो है मोबाइल का कहते हैं उसके बाद भी कहते हैं मोबाइल का लेकिन भाई अब मुझे नहीं पता कि ये आगे वाला जो सीन वो बना रहे हैं उसमें वाकई में एमएमएस उनके पास है या नहीं है एमएमएस का मुझे पता नहीं मुझे याद है इसमें जो सतीश कौशिक जी जो है ना वो दादा टाइप बनाए हुए हैं ठीक है ना तो वो क्या करते हैं एक जगह पर जो है ना जाकर वो कुल्हाड़ा वो क्या कहते हैं मारते हैं तो म्यूनिसिपल कमेटी वालों का ना नाले वाला पाइप जो होता है वो टूट जाता है उसमें से काला पानी निकलता है सारे समय तेल निकल आया वैसे अभी रिसेंटली सतीश कौशिक जो है उनकी डेथ भी है बहुत ही अच्छे एक्टर बहुत अच्छे और भाई रितेश
देशमुख की भी मैं बात करना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं वो भी, क्योंकि उनकी भी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही मतलब ऐसी एंटरटेनिंग आप कह लो कि लाइक जो भी करेक्टर वो करते हैं ना आपको देखने को मजा आता है, स्पेशली चाहे वो आप सीरियस रोल में भी उनको देखो तो उसमें भी वो अच्छे लगते हैं, चाहे वो आप उनको कॉमेडी में देखो, लेकिन कॉमेडी आई थिंक काफी ज्यादा उन्होंने मूवीज की हुई है, मिक्स की हुई है उन्होंने, जैसे हम एक विलन में की बात करें तो उसमें जो उन्होंने एज ए विलन जो है रोल प्ले किया हुआ है तो उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको धमाल और डबल धमाल दोनों में से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।